कॉमनली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि सिंध नदी के दूसरी तरफ रहने वाले लोग जो थे वो हिंदू थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वो सिंध 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 करते करते वो हिंद हो गया, तो हिंदुस्तान हो गया। तो हिंदुस्तान मतलब हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो हम हिंदुस्तान से हो गए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट हिंदुइज़्म, जो कि हिंदुइज़्म जिसको हम आजकल बोलते हैं, इट्स एक्चुअली सनातन धर्म। सनातन मीन्स एटर्नल, लाइक हर रिलीजन का, हर बिलीफ का अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई बिगनिंग है कि कब से, सिंस वेन इट स्टार्टेड। लेकिन आप सनातन धर्म को देखोगे, इसका कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है शास्त्रों में कि इस पर्टिकुलर दिन से इसकी स्थापना हुई। वेदास आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन। दया सत्यम तपह शोचम। दया मीन्स ह्यूमिलिटी, सत्यम मीन्स ट्रूथफुलनेस, तपह मीन्स ऑस्टेरिटी, एंड शोचम मीन्स क्लीनलीनेस। तो असली सनातनी वही व्यक्ति है जो व्यक्ति चार नियमों का पालन करता है, या फिर धर्म के चार जो पैर हैं उनकी रक्षा करता है। दिन में अलग अलग टाइम पर अलग अलग मोड्स हमारे हमेशा हमको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, तो उन्हीं मोड्स के हिसाब से हम लोग कभी कभी उपासनाएं भी चूज करते हैं। किसी को अपनी अच्छी पत्नी चाहिए तो वो क्या करेगा, अच्छे पति चाहिए तो शंकर भगवान की पूजा करेगा। अगर किसी को बॉडी बनानी है तो हनुमान जी की पूजा करेगा। तो सब व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दे आर वर्शिपिंग। सेम वे एवरीबडी इन द सोसाइटी दे हैव डिफरेंट वे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म आल्सो, या सनातन धर्म की यही बहुत अच्छी खास बात है कि अगर आपको शक्तिमान की पूजा नहीं करनी तो आप शक्ति की उपासना कर सकते हो, शक्तिमान वुड बी प्लीज्ड, यू नो। तो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म की, किसी को भी वर्शिप करके अल्टीमेटली यू कैन अटेन योर मोक्ष और द गोल। पहले सोसाइटी के अंदर सब लोग बहुत हार्मनी के साथ रहते थे। एक सीधी सी बात है, वी आर ब्राह्मण्स, ब्राह्मण जो इंटेलेक्चुअल लेवल्स के लोग हैं। फिर क्षत्रिय होते थे जो कि सबकी रक्षा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, राइट, जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हुई वैश्य, उस समय भी लोग खेती बाड़ी करते थे, गायें पालते थे, ठीक है। जो भी पैसा वो कलेक्ट करते थे वो क्या करते थे, कर देते थे, कर मतलब टैक्स देते थे, हाँ। तो इस तरीके से देवर सर्विंग एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द ब्राह्मणास, एंड उन सब की सेवा करने के लिए शूद्र हुआ करते थे, ठीक है, जो कि लेबर वर्क किया करते थे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ पीपल है, वी हैव आर्मी, देन वी हैव बिजनेसमैन, एंड देन वी हैव पीपल हु आर डूइंग द लेबर वर्क। बट क्या हुआ कि ये प्रोपोगेशन स्टार्ट हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। हालांकि ब्राह्मण का बेटा बेशक ब्राह्मण बोला जाए, लेकिन आज के समय में क्या है, शर्मा प्रोविजन स्टोर। हाँ, जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि इनको डाइवर्ट करने का बेस्ट तरीका यही है कि जो इनका कास्ट सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दो। ये तो रेसिस्ट वी हैव इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, कितना रेसिज्म है आपको अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लैक पीपल के साथ हाउ देव बीन ट्रीटेड, या आज के टाइम में यू कैन सी इन अमेरिका हाउ द साउथ अमेरिकन हैव बीन ट्रीटेड। तो क्या कि वहाँ पर कास्ट सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर रेसिज्म है, तो रेसिज्म और कास्ट सिस्टम तो सेम थिंग, और ये दोनों के दोनों चीज़ें जो है समाज के ऊपर धब्बा ही है। क्योंकि जब हम ऐसा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो हम एक्चुअली किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को ऊंचा दिखाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। समाज के अंदर हम सबको वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज़ द प्रिंसिपल गिवन बाय सनातन धर्म। सनातन धर्म इज ऑल अबाउट कि एवरीबडी शुड कम एंड लिव टुगेदर। सो इंटरकास्ट मैरिज, माई मैरिज इज इंटरकास्ट, सो आई एम वेरी मॉडरेट ऑन दिस पार्ट। आई डोंट थिंक सो कि दैट कास्ट सिस्टम इज शुड बी कंसिडर्ड वेरी सीरियसली, बिकॉज कलो शूद्र संभव, कलयुग के अंदर एक्चुअली एवरीबडी इज बॉर्न एज अ शूद्र ओनली। ब्राह्मणो समुखम आसेद बाहुराज्य कृत उरु तदस्य वैश्या पद्भ्याभम शूद्रो अजायत। So if you're talking about Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, they all are actually part of the Lord's body only. So we should not have so much of consideration of caste, intercaste marriage and this and that.
वी शुड सी कि लाइक यू नो हाउ गुड डीड अ पर्सन इज डूइंग, हाउ इंटेलिजेंट दैट पर्सन इज, हाउ पायस दैट पर्सन इज. बेसिकली भीम, ही गॉट मैरिड टू हिडम्बा, वॉज एक्चुअली राक्षसी, यू नो, शी वॉज नॉट इवन कंसिडर लाइक यू नो कंप्लीट ह्यूमन बींग ऑल्सो. तो आउट कास्ट मैरिज और इंटर कास्ट मैरिज इज ऑलवेज देयर. Prabhupada said, anybody who calls himself God, actually a dog. So today's scenario, whenever you're seeing all these kind of, you know, spiritual leaders who are claiming themselves as God and trying to enjoy like God, they all are suffering, you know, and that's why they've been caught. You know, this is a wrong conception. Because any guru, if he's not telling you that you have to ultimately worship the Lord and not saying, or you know, saying that, oh, I am Lord, then there's something wrong. तो अगर आपका गुरु आपको भगवान के सम्मुख नहीं लेके जा रहा तो वो गुरु नहीं है. तो जो प्रोपोगेशन है, दिस इज रॉन्ग. ये सिर्फ सोसाइटी के अंदर गलत जगह पे हो रहा है. अगर कहीं पे भी आप देखोगे कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से नियमों का पालन कर रहा है या स्क्रिप्चर्स का पालन कर रहा है, वो सोसाइटी के अंदर आज भी भगवान को, भगवान की वर्शिप को ही प्रधानता दी जाती है और गुरु को केवल भगवान के सम्मुख रख के उनको उसकी से पूजा की जाती है, ना कि गुरु को भगवान बोला जाता है. Yes, Hinduism in danger, but not from Muslims or Christians or any other religion or people, from its own people, because we are not following our rules and regulations properly, we are not following our religion properly, and we are actually dharm ko chhod ke manodharm bana rahe hain. Har manodharm har roz paida ho rahe hain, theek hai, us particular reason ki wajah se. Yes, Hinduism is in danger. Kehte hain dharm rakshati rakshatah, कि धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है. तो जस हमारे जो ये अगेन ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा ही है, ये सोचना कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और हिंदू कम हो रहे हैं. जिनको भी ऐसा डाउट है वो जाके एक बार कुंभ में देखें कि कितने सनातन धर्म के फॉलोअर्स जो हैं वो आए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, कितने कितने रिकॉर्ड्स बने हैं अब की बार. तो कोई भी धर्म खतरे में इस तरीके से नहीं होता. धर्म खतरे में होता है केवल उस धर्म के लोगों की वजह से. अगर आपको धर्म को बचाना है तो धर्म के नियमों का पालन करो, अपने बच्चों को ज्ञान दो, अपने बच्चों को भगवद गीता पढ़ाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो बचपन से कि उनको किस तरीके से अपने माता पिता को ट्रीट करना है, किस तरीके से दूसरों को ट्रीट करना है. यू नो, अगर आप लोग ही, आप लोग सोसाइटी के अंदर खुद अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई ऊपर से आके उनको पढ़ा के जाएगा. जब वो धर्म का पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं तो धर्म डेफिनेटली डेंजर में है. Why people Dalit, they think, oh, I've been you know treated very badly by in my own religion, so let me go and accept another religion. What can you do? Because you never treated the other person properly, definitely he would go and accept another religion. So from that point of view, you cannot say that your religion is in danger. You have already spoiled your religion there. Everybody is a part and parcel of the Lord. Everybody has the same Lord residing in their heart. So how can we differentiate? Especially when you are a religious person, then you accept them, you accept everybody. It's mentioned in Mahabharata, in any family, if the woman is not treated properly, the whole family will get destroyed. And we have a very good example, how they have treated Draupadi and what exactly they had to see. किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल्स आर इन्फीरियर टू मैन? किसी भी तरीके से नहीं है. बट ऑफ कोर्स इन वन वे यू सी कि फीमेल्स दे कैन नॉट बी यू नो इक्वल टू मैन. व्हाई? बिकॉज दे सुपीरियर देन मैन. सी इन स्क्रिप्चर्स इट इज मेंशन, चाणक्य पंडित मेंशन दैट ड्यूरिंग द मेंसेस अ वुमन गेट्स क्लीन. बट ये कोई बहुत बड़ा ताबू नहीं है जिसको आज के टाइम में इसको प्रोजेक्ट किया जाता है. मतलब यू सी कि अगर मैं एज अ मैन, अगर मेरी बॉडी में से ब्लड निकल रहा है तो आई कैन नॉट वर्शिप द लॉर्ड. पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लाइफ होती थी दैट यूज टू रिवॉल्व अराउंड द लॉर्ड, कि आपको डीटी वर्शिप करनी है, आपको भगवान के लिए खाना बनाना है या यू नो इस तरीके से. तो ड्यूरिंग द मेंसेस इफ द वुमन इज ब्लीडिंग, यू हैव यू नो क्रैम्स इन योर स्टमक, योर माइंड इज नॉट स्टेबल, you're already little bit tense about so many other things, and physically if you're not well you cannot concentrate. So any activity which you are doing for the Lord is not, if not done with the proper consciousness, is not been accepted by the Lord actually, you know, because Lord accepts your consciousness.
ही एक्सेप्ट से भाव. सो इसीलिए बोला जाता है कि ड्यूरिंग द मेंसेस यू आर नॉट सपोज टू कुक फॉर द लॉर्ड और यू नॉट सपोज टू यू नो गो इनसाइड द टेंपल. एंड सेकंड थिंग, इवन इफ मी एज अ मैन अगर मैं ऑल्टर के अंदर हूँ, मेरे बॉडी से खून निकल जाए तो बिफोर इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड आई हैव टू लीव यू नो द ऑल्टर. एंड यू नो अब जैसे अगर सपोज घर में कोई भी नहीं है, एक छोटा सा केस है, सर्वे घर में कोई भी नहीं है और बच्चे को भूख लग रही है, तो माँ के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? उसकी मेंसुरेशन या उसकी उसका माँ का धर्म? तो शी हैज टू कुक फॉर हर चाइल्ड, शी विल डू इट. Well, neither poor people nor very rich people or non-moderate people are religious or devotees of the Lord. Only intelligent people are the devotees of the Lord. You know, खाली जो व्यक्ति समझदार होगा या बुद्धिमान होगा, केवल वही व्यक्ति होगा जो भगवान के दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा. हम कभी कभी ऐसा देखते हैं कि कहीं पे कोई पंडाल प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं आसपास के गांव वाँव के लोग जिनके पास कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं हो वहाँ पे आके बैठ जाएंगे, यू नो. लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सारे लोग आएंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे, वापस घर जाके वो सारे अपनी वही सिंफुल एक्टिविटीज स्टार्ट कर देंगे. तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, दैट डजंट मेक देम अ रिलीजियस पर्सन. रिलीजियस पर्सन मतलब अगेन द सेम धर्मा, द पर्सन हु फॉलोज द धर्मा प्रॉपरली, ओनली दैट पर्सन कैन बी कंसिडर एज इंटेलिजेंट पर्सन और रिलीजियस पर्सन. तो यू नो, तो इन दैट कंडीशन कोई भी एक्सट्रीम केस के अंदर कोई भी एक्सट्रीमिस्ट होता है या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट होगा ना, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कैन नॉट बी गॉड कॉन्शियस. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आई थिंक दैट वॉज अ डे वेन दे हैव फाउंड यूनाइटेड नेशन टू क्रिएट पीस इन द सोसाइटी. आफ्टर दैट वी हैव सीन वियतनाम वॉर, वी हैव सीन चाइना वॉर, वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स इंडिया पाकिस्तान वॉर, फॉरगेट अबाउट दैट, वी हैव सीन Iraq and Iran war, right? And this Syria war, we couldn't stop the wars, you know? We couldn't stop wars. Why? Because of the society, because in society, we are not God conscious. The solution to all the problems, whatever we are facing today, is being God conscious. If everybody will start following their religion properly, if they are following their religion properly, they will automatically develop love for the Lord. If they have love for the Lord, if you love somebody, you even love the dog of that person, you know. So if you follow the Lord, you will see everybody as a part and parcel of the Lord, and then you will automatically develop, you know, humility for everybody. Whatever is going on in the society, whatever restlessness in the society, it is all because of the political propagandas. We should not take that very seriously, because if it's very simple, you're sitting at home and you don't have much to do and you immediately see these kind of videos, you know, on social media and all, immediately get agitated and that negativity of your heart you spread in other people. Like when you're living among positive people, you will not see that you're in danger, but as soon as you enter in the society, in the group of people who are negative, automatically you develop, oh, you know, society is in danger, Hinduism is in danger, we all are in danger, we have to save ourselves, we all have to save ourselves, we all have to go back to Godhead, we all have to become God conscious. If we are God conscious, then only we can expect peace in the society, otherwise there is no chance.